नमस्कार, महासमर के मुद्दे में स्वागत है आपका। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सियासी रण जो है वो सज चुका है। हर कोई इस जंग को जीतना भी चाहता है। जंग हर मोर्चे पर छिड़ी हुई है। चुनाव जीत करके वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी करना चाहती है। और यहां भी भीतरखानी सीएम पद को लेकर आपसी जंग छिड़ी हुई है। बागी इन सबके लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बागी खेल बिगाड़ भी सकते हैं। टिकट वितरण के बाद तो बागियों ने दोनों पार्टियों के नाक में दम कर रखा है, लेकिन सबसे नजर उन बागियों की सियासी पारी पर रहेगी जिन्होंने चुनाव से भी पहले अपनी पार्टी से बगावत कर पूरा गणित बिगाड़ दिया है पार्टी का। देखिए रिपोर्ट। संग्राम में जब रणभेरी बजती थी तो दुश्मन के साथ साथ बागियों से भी सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि बागी भेद जानता है जो रणक्षेत्र का सबसे मजबूत हथियार होता है। इतिहास बगावत के ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में जमहूरियत के सबसे बड़े पर्व के नाम पर जब जब सियासी रण सजा तो रंग बदलने में नेताओं ने गिरगिट को भी पछाड़ दिया। इन बागियों की वजह से केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकारें बनी और बिखरी भी। मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले बगावत का दौर उनका सामना किया। जब बराबर की संख्या में विपक्ष और कांग्रेस आई थी, उस दौरान रामचरण नाम के एक विपक्ष के प्रत्याशी ने कांग्रेस में जाकर के मिल गए थे। दूसरी बार पहाड़िया जी के खिलाफ भी मतलब मामला बढ़ा। मुश्किल से एक साल ही वो शासन कर पाए और उन्हें मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को बनाना पड़ा। तीसरा दौर आता भैरव सिंह शेखावत के समय, जब बीजेपी सरकार बनाने के लिए उन्होंने जनता दल के में दो फाड़ करवा करके जनता दिग्विजय नाम से मतलब एक पार्टी बनवा करके उन्होंने अपने भाजपा में मिलाया। पैराशूट वालों का टाइम है, ऊपर की ओर देखो, पैराशूट के धागे कट रहे हैं, एक के बाद एक पैराशूट के धागे कटेंगे। इतने सालों से कांग्रेस की सेवा की, क्या नतीजा मिला? सात दिसंबर को राजस्थान की जनता ये तय करेगी कि दिसंबर की कड़ाके की ठंड में जब प्रदेश का सियासी पारा चरम पर होगा तो राजधानी के राजपथ पर शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री किस पार्टी का हो। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, बागी दोनों सियासी दलों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इन बागियों में सबसे बड़ा नाम घनश्याम तिवाड़ी का है। लंबे समय से सियासी विरोधियों के निशाने पर रहने वाले घनश्याम तिवाड़ी 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए। लिहाजा तिवाड़ी को ना तो मंत्री पद मिला और ना ही संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी। इस बात को तिवाड़ी भांप चुके थे कि राजस्थान में पार्टी की कमान उनके विरोधियों के हाथ में है और सियासी शतरंज के इस मैदान में वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले तिवाड़ी ने इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनने की बजाय बगावत छेड़ दी। चार साल तक पार्टी के भीतर रहकर लड़ते रहे और चुनाव करीब आने तक पार्टी आला कमान की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिली तो पार्टी से नाता तोड़ दिया। अब भारत वाहिनी पार्टी बनाकर बीजेपी का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो घनश्याम तिवाड़ी जी का ये है कि वो कुछ सीटों को ही प्रभावित करेंगे, जहाँ पे मुख्य रूप से भाजपा और कुछ बेल्ट में शेखावटी क्षेत्र में, कुछ जयपुर की कुछ सांगानेर क्षेत्र में भाजपा को नुकसान, वसुंधरा के लिए इतना मतलब घातक नहीं है।
कांग्रेस जहां 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सबसे आसान राह राजस्थान में देख रही है, तो भीतर खाने बागियों से परेशान भी है। कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कई कांग्रेस से ही बागी हो रहे हैं। नाथ द्वारा से कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने ही बागी महेश प्रताप सिंह ने रास्ता मुश्किल कर दिया है। 11 साल पहले पार्टी में आए महेश प्रताप सिंह बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी ने सीपी जोशी के सामने कांग्रेस के बागी महेश प्रताप सिंह को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है। वैसे सीपी जोशी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी आलाकमान के निर्देशों के बाद वो मैदान में उतरे हैं। 2008 में इसी सीट से सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे, लिहाजा पार्टी के लिए एक बार फिर अपने ही बागी ने गणित बिगाड़ दिया है। जब सीपी जोशी एक मत से हारे थे, वो भी इनके मतलब क्या कहते हैं, जो कल्याण सिंह जो थे, वो इनकी गाड़ी सीपी जोशी की गाड़ी चलाया करते थे मतलब चुनाव दौरान, तो एक तरह से वो भी इनके ही शिष्य थे जो मतलब इन्होंने जिसमें मात दी। तो ये एक अगर वापस से चुनाव सीपी जोशी अगर हारते हैं या मात दे देते हैं सिंह, तो ये माना जाएगा कि वो अपने चेलों से ही मात खाते रहे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग मार दो। 2014 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट पूरे देश की सियासत का केंद्र रही। बीजेपी ने यहां से दिग्गज नेता जसवंत सिंह जसौल का टिकट काट दिया। जसवंत सिंह ने चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकी, तो शिव विधायक मानवेंद्र सिंह भी अपने पिता के साथ प्रचार करने निकल पड़े। नाराज पार्टी आला कमान ने मानवेंद्र सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि चुनाव के बाद मानवेंद्र को पार्टी में वापस ले लिया गया, लेकिन वो पार्टी में पूरी तरह से अलग थलग पड़े रहे, और इसी को देखते हुए चुनाव से पहले मानवेंद्र सिंह भी पार्टी से बागी हो गए, कांग्रेस के साथ चले गए। फिलहाल कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को वसुंधरा राजे के खिलाफ झालरापाटन सीट से मैदान में उतार दिया है। बीजेपी में रहते हुए एक दूसरे के विरोधी रहे दिग्गज एक बार फिर से मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं करी थी, परंतु श्री राहुल गांधी जी और चुनाव कमेटी ने निर्णय लिया है, फैसला करा है, उसका मैं स्वागत करता हूं, और मुझ पर जो विश्वास जताया है उसका मैं आभारी हूं। और चुनाव एक अच्छा स्वच्छ चुनाव लड़ेंगे, और जो स्वच्छ राजनीति लानी है उसके आधार पर लड़ेंगे। तो जैसे मैंने सोचा था वही हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने ढूंढ के एक ऐसे व्यक्ति को निकाला जो मांग रहा था टिकट, जिसको टिकट देना नहीं था और यहाँ कोई मिल नहीं रही था, इसलिए उन्होंने कहा चल तू वहां लड़ ले। तो झालावाड़ में उनको यहाँ भेज दिया है। उनको ये नहीं मालूम कि एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है यहाँ, ये राजस्थान की लड़ाई है, ये पूरे झालावाड़ की लड़ाई है, और ये परिवार झालावाड़ एक साथ खड़ा होके चुनाव लड़ेगा, अकेले वसुंधरा राजे नहीं। देखिए दो चीजें हैं वहाँ पे, हरीश चौधरी जी इस बार मतलब जो है यहाँ पे मतलब कांग्रेस में जो चुनाव में महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो चाहते हैं कि जिस माहौल जो है जो उन्होंने वहाँ स्थापित किया कर्नल सोनाराम के दल बदल के बाद में, तो कांग्रेस में हरीश चौधरी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरे हैं। तो ऐसी एक तो टिकट वितरण में बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है। सबसे पहले बीजेपी ने 131 नामों की सूची जारी की, और यह पहले से तय माना जा रहा था कि बीजेपी कई विधायकों के टिकट काटेगी, लेकिन टिकट वितरण होते ही 3 मंत्री समेत कई नेताओं विधायकों से बगावत करने जैसी तस्वीर भी सामने आई, कर भी बैठे। सबसे पहले एक नजर बीजेपी में हुई बगावत पे आइए डालते हैं, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में लंबी माथापच्ची के बाद 11 नवंबर की रात 131 नामों की पहली सूची जारी हुई, तो कई पुराने दिग्गजों का पत्ता साफ हो गया।
पार्टी आला कमान ने 26 विधायकों के टिकट काट दिए, जिसमें राजकुमार रणवा और सुरेंद्र गोयल जैसे मंत्रियों के भी पत्ते कट गए। दूसरी और तीसरी सूची के बाद जैसे जैसे तस्वीर साफ होने लगी, सियासी रण में बागियों के सुर और तेज होते गए। अजमेर की किशनगढ़ सीट से टिकट कटने पर बीजेपी के मौजूदा विधायक भागीरथ चौधरी ने पार्टी से बगावत कर ली। किशनगढ़ बीजेपी इकाई ने भी इस्तीफा दे दिया। भागीरथ चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ जयपुर बीजेपी कार्यालय के बाहर डेरा जमा दिया। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत को मोर्चा संभालना पड़ा और लंबी समझाइश के बाद इस गुस्से को काबू किया गया। हालांकि अभी तक भागीरथ चौधरी ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची में अलवर के थाना गाजी से विधायक हेम सिंह भड़ाना का टिकट काटकर पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा को मैदान में उतारा। भड़ाना राजेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। टिकट कटने के बाद भड़ाना ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बगावत का ऐलान कर दिया। टिकट कटने के बाद नाराज हेम सिंह भड़ाना ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के मंत्रियों की बगावत पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। इधर पाली के जयतारण से वसुंधरा सरकार में जलदाय मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिए और जयतारण सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी। गोयल ने अपनी ही पार्टी के दिग्गजों पर आरोप लगा दिया कि वो लगातार चुनाव जीत रहे थे, इसलिए उनका टिकट कटवा दिया गया। गोयल सीएम राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन पार्टी ने जयतारण से उनका टिकट काट दिया। चूरू की रतनगढ़ सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक और राज्य सरकार में देवस्थान मंत्री राजकुमार रणवा का टिकट काटकर कुछ दिन पहले की पार्टी में आए अभिनेश महर्षि को मैदान में उतार दिया। टिकट कटने के बाद मंत्री राजकुमार रणवा ने भी बगावत छेड़ दी। रेणवा ने इस बार रतनगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रेणवा ने समर्थकों के साथ चर्चा के बाद निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान किया। मंत्री रेणवा ने पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके साथ धोखा किया गया है। इधर फुलेरा विधानसभा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गईं। विधायक निर्मल कुमावत को टिकट मिलने से नाराज होकर जयपुर जिला देहात अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत ने पार्टी के खिलाफ ताल ठोक दी। बागी कुमावत निर्दलीय नामांकन दाखिल करते भी नजर आए। वहीं इस बार बीजेपी में बगावत के चलते कांग्रेस नेताओं में जीत की आस बनती नजर आई कि फुलेरा सीट पर लगातार दो बार विधायक रहे निर्मल कुमावत अपने समाज और जाट बाहुल्य क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। बीजेपी ने इस बार बांसवाड़ा सीट से राज्य सरकार में मंत्री रहे धन सिंह रावत का टिकट काट दिया और यहां से हकरू मईडा को उम्मीदवार बना दिया। पहले तो रावत ने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे रावत के तेवर भी बगावती होते चले गए। उन्होंने बांसवाड़ा से निर्दलीय ताल ठोक दी है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी हकरू मईडा के लिए रास्ता मुश्किलों भरा है। हकरू मईडा को गुलाब चंद कटारिया का करीबी बताया जाता है। इधर डूंगरपुर जिले में बीजेपी ने 2013 में 4 सीट पर कब्जा किया था। इस बार जिले की 2 सीट पर एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए 2 विधायकों के टिकट कट गए। डूंगरपुर से विधायक देवेंद्र कटारा का तो वहीं सागवाड़ा सीट से अनीता कटारा का टिकट काट दिया गया। लेकिन पार्टी की नीतियों की बात करने वाले ये नेता इस बार निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। अनीता कटारा बीजेपी नेताओं पर अनदेखी का आरोप लगा रही हैं, तो देवेंद्र कटारा पार्टी नेताओं पर जातिगत राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना रोचक होगा कि बीजेपी राजस्थान का रण फतह करने से पहले इस बगावत को दबाएगी कैसे, या फिर बगावत के असर को कम करने के लिए आखिर पार्टी की रणनीति क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौसम
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कांग्रेस में टिकटों को वितरण को लेकर के लंबी मत्थापच्ची चली थी। बीजेपी के प्रत्याशी जब नामांकन कर रहे थे तब कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में टिकट के लिए चक्कर काट रहे थे, तो माना यह जा रहा था कि कांग्रेस बेहद सूझबूझ से टिकट वितरण करेगी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने टिकटों की पहली लिस्ट जारी की, जो बगावत छिड़ी वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है और प्रदेश की 40 से 45 सीटों पर बगावत ही हो रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट वितरण की साफ होती तस्वीर के बीच करीब 40 से 45 सीट पर बगावत शुरू हो गई है। जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अमीन कागजी को चुनावी जंग में उतार दिया है, लेकिन इस सीट पर जयपुर की मेयर रह चुकी ज्योति खंडेलवाल प्रबल दावेदार मानी जा रही थीं। टिकट कटने से नाराज ज्योति खंडेलवाल ने पार्टी से बगावत कर दी। ज्योति खंडेलवाल की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 5 साल में वो राजस्थान की सबसे सक्रिय महिला कांग्रेस नेता रही हैं, लेकिन फिर भी उनका टिकट काट दिया गया। दूदू सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबूलाल नागर ने इस्तीफा दे दिया। नागर ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी को अपनी माँ बताया, लेकिन आला कमान से नाराज नागर निर्दलीय ताल ठोककर कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं। नागर कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और 25 सालों से कांग्रेस में रहे हैं। पाकिस्तान से सटी जैसलमेर सीट पर कांग्रेस ने रूपा राम मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। रूपा राम पिछला चुनाव यहीं से हारे थे। इस बार सुनीता भाटी कांग्रेस के टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी ने टिकट काटा तो खुलकर नाराजगी सामने आ गई। जैसलमेर में सुनीता भाटी के समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि सुनीता भाटी यहां से निर्दलीय चुनाव तो नहीं लड़ रही, लेकिन वो पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार भी नहीं करेंगी। अजमेर दक्षिण सीट पर मुकाबला दो भाइयों के बीच है। इस सीट से ललित भाटी और हेमंत भाटी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने हेमंत भाटी को टिकट दे दिया तो ललित भाटी ने निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। हेमंत भाटी ने पिछला चुनाव भी इसी सीट से लड़ा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अनीता बदेल के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ललित भाटी और हेमंत भाटी के बीच बगावत की वजह पारिवारिक संपत्ति का मामला बताया जाता है, लेकिन इस बगावत का नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के चाणक्य और मौजूदा वक्त में देश भर में पार्टी की रणनीति में दखल रखने वाले अशोक गहलोत के गढ़ में भी कांग्रेस को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ओसिया से दिव्या मदेरणा को प्रत्याशी बनाने की वजह से टिकट के दावेदार महेंद्र सिंह भाटी ने बगावत कर दी है, तो वहीं फलौदी से टिकट नहीं मिलने पर कुंभ सिंह पातावत ने बगावत कर दी। इधर लूणी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज ब्रजेंद्र झाला ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। शेरगढ़ सीट पर भी पिछले 15 साल से सूखा झेल रही कांग्रेस को भीतरी बगावत का डर सता रहा है। करौली की हिंडौन सिटी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और 4 बार विधायक रहे भरोसी लाल को चुनाव मैदान में उतारा है, जो पिछली बार 1800 वोट से हार गए थे। लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज अनीता जाटव ने महिला कांग्रेस के प्रदेश सचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया है। हंगामा, नारे, आगजनी, ये तस्वीरें राजस्थान के रण की हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व मंत्री बीडी कल्ला के समर्थकों की हैं। बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 3 दिन तक चले इस सियासी ड्रामे में कल्ला के समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा, तोड़फोड़ और आगजनी भी की, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान को जमीन पर उतरना पड़ा और कांग्रेस आलाकमान ने फिर से बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला को उम्मीदवार बना दिया। असर ये हुआ कि बीकानेर पूर्व सीट पर रामेश्वर डूडी ने जिसको टिकट दिलाया उसी का पत्ता कट गया। इधर बीडी कल्ला की बगावत थमी तो पार्टी के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी ने स्पष्ट कर दिया, झंवर को टिकट नहीं मिला तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीनियर नेता उनके पास में, आप यदि इस तरीके से कर दिया, ये बहुत ज्यादा गलत किया है
और ये कर दिया, वापस रिव्यू नहीं करा और संजय कुमार से टिकट नहीं दी, तो रामेश्वर तुर्की चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरफ कांग्रेस अपने आप को सत्ता के बेहद करीब देख रही है, लेकिन प्रदेश में छिड़ी बगावत पार्टी के लिए मुसीबत बनी हुई है। हड़ौती से ढूंढाड़ तक हर जगह हंगामा है, बगावत है। बागी कितना असर डालेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बागियों ने दोनों पार्टियों की राह मुश्किल जरूर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलेटिन फिलहाल इतने ही, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए जी राजस्थान।